तो रामायणी रॉय जो टॉपर बनी थी उनके तरीकों को अप्लाई करके आप बोर्ड परीक्षा 2023 में भी टॉपर बन सकते हैं। पता है इस बार बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा अंक लाने वाला और प्रथम स्थान पर यानी टॉपर बनने वाली थी वो रामायणी रॉय। तो उनका 5 तरीका था, वो 5 तरीका अप्लाई करके टॉपर बनी थी और इस तरीका को यदि आप भी अप्लाई करते हैं ना तो इस साल बहुत कम समय में आप टॉपर बन पाएंगे अगर इसको अप्लाई कर लेते हैं तब। लेकिन देखिए टॉपर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है यार, देखिएगा। और मेहनत अगर आप 1 महीने भी बढ़िया से कर लेते हैं ना, 1 महीने 1.5 महीने भी बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो बाबू आपको टॉपर बनने से किसी का बाप नहीं रोकने वाला। इसलिए इस वीडियो को देखिए और जो टॉपर बन चुका उनके तरीकों को अप्लाई करिए, आप रियलिटी में टॉपर बन जाएंगे आसानी से। देखिए सबसे पहली बात है कि टॉपर बनने के लिए रामायणी रॉय जो काम किया था वो भी आपको करनी चाहिए, वही तरीका आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है बाबू, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या हो गया कि अभी से जो पिछले वाला क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब 2023 में देने वाले हैं तो ठीक इसके पिछले वाले 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए, यहां से 50% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम लड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उनका फुल रिवीजन आप कर जाइए। यहां से नहीं भी क्वेश्चन लड़ेगा तो समझिए कि आपका 50% यानी आधा से आधा सेम टू सेम आपका क्वेश्चन यहां से लड़ जाते हैं। तो हम इसको गोली मारते हैं, 50% नहीं लड़ेगा, मान लीजिए हमारे यहाँ से 25% प्रश्न लड़ता है, ठीक है। देखिए किस तरह से आप टॉपर बन पाएंगे आसानी से, एकदम आसानी से। तो 10 साल पुराने अगर क्वेश्चन पेपर को क्लियर करते हैं ना तो 50% सेम टू सेम आपका क्वेश्चन लड़ेगा। यानी या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्लियर करिए और जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उसको जाकर खरीद लीजिए और उसमें जितना भी आपको सेट दिया है, जितना भी आपको दिया है पुराने क्वेश्चन पेपर, उन सभी का जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए और मोहर मार लीजिए कि 25% नहीं भी तो 25% एकदम 100% सेम टू सेम वही क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। मान लिया 25%, देखिए हम लोगों का अनुमान है 50% क्वेश्चन इन दोनों में से एकदम लड़ ही जाते हैं सेम टू सेम, लेकिन 25% मानकर चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स का आपको रिवीजन करने हैं। आपका जो टीचर्स है, आपका ऑफलाइन टीचर्स है या जो आपका ऑनलाइन टीचर है, वो जो आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स दिया है चैप्टर वाइज, उन सभी का जबरदस्त तरीके से रिवीजन करें, ठीक है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न छाटने का मतलब हो गया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपका प्रश्न एग्जाम में लड़ जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो मान लीजिए इसमें से भी आपका 25% प्रश्न आपका लड़ता है, ठीक है ना। 100% आपका रिवीजन है नोट्स है कि लड़ जाएगा एग्जाम में, तो 100% को गोली मारिए, 25% एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न का नोट्स जो आपको टीचर के द्वारा मिला है ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, उनका रिवीजन जबरदस्त तरीके से आप करना शुरू कर दे। तीसरा, खुद से आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाने हैं और फिर उनका भाई रिवीजन कर लेना है। क्या करना है बाबू, रिवीजन कर लेना है यानी खुद से भी नोट्स बनाने हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि आपका टीचर से कई गुना ज्यादा बढ़िया आप ही का बनाया गया नोट्स एग्जाम में लड़ जाते हैं। इसलिए कहूंगा खुद से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाइए, हर चैप्टर से हर किताब से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाइए और उसको भी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, उसको भी बढ़िया से समझ लीजिए, उसका भी जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर लीजिए और मान लीजिए कि आपने भी जो नोट्स बनाए यहां से भी 25% आपका प्रश्न एग्जाम में लड़ गया, ठीक है। अब चौथा तरीका है कि इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आते हैं बाबू, यहां से भी बताया जाता क्या है कि हर साल 50% क्वेश्चन यहां से इंटरनेट वाला जब एग्जाम नजदीक होते हैं तो ठीक उसके 1-1.5-2 महीने पहले इंटरनेट बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी करता है, ठीक है ना। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर आती है उसको लेकर बढ़िया से पढ़े, उसका फुल रिविजन कर जाए और यहां से भी 50% प्रश्न लड़ते हैं तो 50% को गोली मारिए, यहां से भी 25% प्रश्न मान लीजिए आपका लड़ जाते हैं। तो सोचिए ये चार को ही ऐसा चीज है, 25 25 25, ये कितना परसेंट, 100% आपका प्रश्न सेम टू सेम लड़ जाएगा अगर इन चारों चीजों को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तब कौन-कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का रिवीजन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो नोट्स आपको टीचर के माध्यम से मिला है उसका रिवीजन कर लीजिए और खुद से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स बनाना है उसका भी रिवीजन कर लेना है और इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर है इसका भी रिवीजन कर लीजिए। तो इन सभी से मान लीजिए 25% प्रश्न मिलता है ना, तो बाबू आपका सारा प्रश्न मिल जा रहा है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा। टॉपर बनने वाला विद्यार्थी यही सब दिमाग लगाता है और टॉपर बन जाता है और ये तरीका आपको अभी तक कोई समझाया नहीं होगा, कोई नहीं बताया होगा, इसलिए मैंने
मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सब तरीका बता दूं ताकि आप बच्चे भी आसानी से टॉपर बन सके, जिस प्रकार से इसके पिछले वाले साल में रमाइनी रॉय टॉपर बनी, आप भी इस साल टॉपर बन जाए एकदम आसान तरीके से, ठीक है ना। अब इन चार तरीकों के माध्यम से बाबू आप तो टॉपर बन जाएंगे 100%। लेकिन टॉपर बनने के साथ साथ एक और कंडीशन, आपकी राइटिंग और राइटिंग स्पीड हो जा रही है। अगर आपकी राइटिंग सुंदर नहीं होगी तो इन सभी पर पानी फेर जाएंगे, इन सभी की तैयारी पर पानी फेर जाएंगे। इसलिए आपका फर्ज बनता है राइटिंग सुधारिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपकी राइटिंग सुंदर होगी तो रिजल्ट भी बेटर होगा, राइटिंग सुंदर नहीं होगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं होंगे। इसलिए राइटिंग को जितना ज्यादा हो सके सुंदर करिए, जितना ज्यादा रिवीजन करिए तो सुंदर राइटिंग के साथ आप रिवीजन करिए। उसके बाद राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड का मतलब होता है कि क्वेश्चन लिखने का स्पीड। अब एग्जाम में जब आप प्रश्न लिख रहे हैं तो टाइमिंग इतना फिक्स करके चलिए, इतना स्पीड लिखिए कि कम से कम एक प्रश्न बनाने में 4 मिनट 5 मिनट लगे 6 मिनट लगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगे। क्योंकि एग्जाम में हर प्रश्नों का टाइमिंग फिक्स होता है, अगर उस टाइम को कवरेज नहीं करेंगे तो आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, और जब सारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो टॉपर बनने का सपना चकना चूर हो जाएगा। इसलिए राइटिंग और राइटिंग स्पीड भी सुधार लेना है। तो बाबू मैंने ये चार तरीका बताया, इन चार तरीकों के माध्यम से जो बच्चा अप्लाई कर लिया, तैयारी कर लिया ना, वो इस साल का टॉपर है। मोहर मार देते हैं कि वो विद्यार्थी टॉपर बनेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स, खुद से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बने उसका तैयारी, या इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का तैयारी कर लीजिए और राइटिंग सुधार लीजिए और लिख लीजिए कि आप टॉपर इस बार आ रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहां से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।